ये मम्मी से करता है। अरे उसने पोटी कर दी। पोटी तो कोई मानी उसका लेबर वैसा है ना, जंगल से आया। अब मिट्टू की पालने वाली को तो पूछो ही मत। अच्छा। अब उसकी टट्टी खाएगी। मैंने कहा मेरे फोटो खींच के क्या करोगे, दीवार पे लटकाओगे क्या? सही बात है। मन नहीं बुआ ऐसे मत बोलवा, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। पर काम कौन करती ज्यादा? ये ज्यादा करती है, ये तो कुछ नहीं करती। क्यों? ये तो काम चोर है। ठीक ये है। दो तोते हैं। मैं थोड़े से खाया। वो जंगली तोता है, एक घर के तोते हैं। मेरी छोटी लिमा है। और मैंने चावल गिराए। चावल गिराए ना आपने? चल पोछा मार। मैं फिनाइल में हाथ क्यों डालूं? नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं सुनील रावत अपने YouTube चैनल सुनील रावत 14 ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज फिर से हम नानी के घर जा रहे हैं और नानी काफ़ी टाइम बाद अब ब्लॉग में आ रही हैं, क्योंकि वो यहाँ थी नहीं और जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों आपको फिर से आज नानी के घर ले जाता हूँ और उनसे रूबरू कराता हूँ। बस यूँ ही बने रहिए मेरे चैनल में। और आप में से कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सीधे मिलते हैं नानी के घर। दोस्तों ये है आंटी और ये है नानी। नानी काफी टाइम बाद आप देख सकते हैं। नानी हाय करो दोस्तों को। हाय, कैसे हो आप? हाय बेटे। नानी आप काफी टाइम बाद आ रहे हो वीडियो में, क्या बात? जरा मायके जा रखी थी। अच्छा, मायके जा रखी थी। और ये आपने तोता ला रखी क्या मायके से? हाँ। तोता क्या? यादौनी के जंगल मिला मुझे। अच्छा। नानी वहाँ जा रखी थी ना मंदिर में भीड़ लगाने। हाँ। रास्ते में था, इन्होंने सोचा गाड़ी के नीचे आ रहा था, इन्होंने सोचा मरा हुआ है। हाँ। और नानी जो है उठा के और लाई। दूसरे दिन उसकी पोती ने जो है नहला धुला के। हाँ। आवाज नहीं आ रही थी तो उसके बाद खूब चौं करने भी लग गया, खाना पीना खूब खाने लग गया। हाँ। और मेरी बेटी ने बोला कि तू इसको प्यार कर रही है, तू अब टप्पी को नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं। इसने बोला पप्पी करा के दिखा, तब मैंने बोला मिट्टू पप्पी करो। देखो मिट्टू कितने पप्पी कर रहे हैं। नानी की भी करा दे पप्पी। अच्छा, नानी को पप्पी करो। नानी को पप्पी करो। करो नहीं कर रहा हूँ नानी को। नानी से तो मेरे से सब नफरत करते हैं। नहीं नहीं, आपसे सब प्यार करते हैं, बस ये तोता नफरत कर रहा है। ये देखो ये मम्मी से करता है। अरे उसने पोटी कर दी। पोटी तो कोई मानी उसका लेबर वैसा है ना, जंगल से आया। उसका लेबर कैसा है? अरे वो जंगल से आया ना। तो जंगल का खाना और घर का खाना, यहाँ तो पपीता आम और तिमले खा रहा है। जो गढ़वाली में हमारे यहाँ तिमले होते हैं गोल गोल। हाँ। और बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। उसकी सब्जी भी बनती है, कच्चे भी अच्छे होते हैं वो। और मेरा मिट्ठू ऐसे खाता है, वो चू 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 खाता है हमारा मिट्ठू। अच्छा, उसको दस्त लग गए मेरे को लग रहा है। हाँ, उसको पेचिस लग गए। हाँ, इसको पेचिस लग गई। हाँ। मिट्ठू को। हाँ। अब मिट्ठू की पालने वाली को तो पूछो ही मत। अच्छा। अब उसकी टट्टी खाएगी। सच्ची खाओ। ऐसे बोलते हैं वीडियो में। मिट्ठू है। हैं? ये देखो। प्यार का मिट्ठू है भाई। वही तो इतना प्यार कर रही है आंटी। हाँ। तो आंटी कुछ भी खा सकती है। कुछ भी। आंटी का कोई भरोसा नहीं है। ये देखो। देखो। ये देखो। मिट्ठू बोल दे मामा। मिट्ठू मामा। हाँ। मिट्ठू बोल दे मामा। मामा। हाँ। जोर से बोलो। जोर से बोलो। जोर से बोलो। देखो वेरी गुड। नी? हाँ जी। अच्छा तो आप कहाँ जा रखे थे? मैं मायके जा रखी। मायके क्यों इस बार इतना टाइम लगा दिया मायके में? अरे मुंडन था वहाँ, खून नाचे खेले को। अच्छा। लोग आ रखे थे तो मायके में। अच्छा, लोगों ने आपको पहचाना भी? हाँ, सब क्या बोल रहे थे? बोल रहे इधर आओ इधर आओ, तेरे फोटो खींच। ओ मतलब आपको वायरल हो गए? मैंने कहा मेरे फोटो खींच के क्या करोगे, दीवार पे लटकाओगे क्या? सही बात है। नहीं बुआ ऐसे मत बोलवा। तो मतलब आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। तुम्हें पता है आपको ना बड़े बड़े सिंगर भी याद कर रहे थे। नानी को मिलने। हाँ, नानी कौन आ रखे थे आपसे दिल्ली से मिल के? अरे वो पंजाबी बाग रहता है एक लड़का, वहाँ का है वो, हिमाचल का। अच्छा। पंजाबी बाग है तो वो आया। अच्छा। सर्किट हाउस में मिला था ना हमें, हम खाने छाने जा रखे थे और उसने बोला अरे ये तो वही नानी है। हाँ। और चले वो ऐसे शाम को 7 बजे यहाँ। हाँ। अच्छा, लोग बोल रहे हैं वहाँ रहती है बुढ़ी। हाँ। आ गया वो यहाँ पे। ओ। हमने बोला बैठो बेटा, चाय बनाएंगे तुम्हारे, ठंडा पियोगे? हाँ। बोले नहीं नहीं मैं कुछ नहीं पियूंगा, बोले मन नहीं कर रहा। बोल
तो मतलब आपके फैन दूर दूर से भी आ रहा है आपको मिलने। और आपको पता है दर्शन फरसान जी नहीं है जो सिंगर इंदर आर्या, वो भी आपको याद कर रहे थे। अच्छा, उनको हाय कर दो एक बार। हाय, थैंक यू बेटा बोलो। थैंक यू बेटा, हाय। मुझे एक वीडियो में ले लेना। हाँ, मुझे एक वीडियो में लेना क्या? सौ वीडियो में लो, घर वाली वीडियो में लो यार मुझे। हाँ, है ना। हाँ। अच्छा, और ये कौन बैठ रही है आपके बगल में? ये मेरे लड़के की लड़की है, ये मेरी पोती है। अच्छा, और ये लड़की की लड़की है, ये भी पोती है। कौन सी पोती अच्छी आपकी? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पर काम कौन करती ज्यादा? ये ज्यादा करती है, ये तो कुछ नहीं करती। क्यों? ये तो काम चोर है। ये इंग्लिश, मैं दिल्ली से आई। हाँ। अच्छा, तो ये दिल्ली से आई है। दिल्ली से क्यों आई इतनी गर्मी से? वैसे तो दिल्ली भाग गए लोग आजकल, लोग दिल्ली भाग रहे हैं गर्मियों में। नहीं, दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है ना। हाँ। तो छुट्टी बिताने आई है। तो वही तो बोल रहा हूँ, जब ये गढ़वाल छोड़ के इसकी स्कूल खुल जानी है तो भेज देना मैंने इसको। तो नानी आप ही बताओ, जब गढ़वाल छोड़ गए वहाँ जा रहे हैं कहाँ? दिल्ली। तो अब क्यों आ रहे हैं गर्मियों में यहाँ? पता नहीं। अरे आपने गांव देखने का था, प्रत्येक का मन करता है ना। तो वही तो बोल, तो गांव में रहो ना। अरे गांव में एक दिन के लिए घुमा के ला गए, दिखा दिया हमने। ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है। अच्छा। हाँ। तो आजकल आप देख रहे होंगे ये बहुत यात्री आ रहे हैं आजकल यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ। हाँ। धाम नुकसान देख कितना हो रहा। अरे लोग ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, नुकसान बहुत हो रहा है ना। क्या किया जाए, तब कुछ इसको उपाय आप बताएंगी? क्या बता सकते हैं, पढ़े लिखे समझदार ऊपर वाले के हाथ पे है। पर एक बात है, जो यात्रा करते सब में अगर किसी का वहाँ देहांत हो जाता है, उसके बराबर मुक्ति किसे नहीं मिलेगी। अच्छा, क्यों? वो भगवान के चरणों में गया। पर लोग भी तो वहाँ जा रहे हैं यात्रा, मतलब यात्रा में खच्चरों को सहारा लेके क्यों जा रहे, खुद पैदल क्यों नहीं जा रहे? अरे बहुत सारे नहीं जा सकते, बुढ़े आदमी है। जवान जवान भी जा रहे हैं। मैं चलो तो फैशन में। अच्छा, हमने कभी खच्चर में नहीं गए। खच्चर कैसे चलता है? चढ़ाई में। ये बात तो है। उनको तो शौक है। पर जो बुढ़े आदमी जाते उनके मजबूरी है। उनकी तो मजबूरी है भाई। आप जा रहे बद्रीनाथ? मैं कहीं नहीं गई। क्यों? अरे बद्रीनाथ तो बोल, मैं श्रीनगर से नीचे कहीं नहीं गई। क्यों? तुम्हारी लड़की ले जाएगी। तुम्हारी लड़की ले जाएगी तुम्हें बद्रीनाथ? तुंगनाथ, बद्रीनाथ कहीं ले जाएगी? अरे कहीं नहीं ले जाएंगे, कोई नहीं ले जाएगा। हाँ, तो आपको कोई फैन हो वही ले जा दे। अरे फ्रेंड भी नहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? नहीं ले जा रहे तो। ये कुरकुरा खा ली कैसे बना? नहीं, ये खाने वाले नहीं है। दो ये दो नहीं जरा ठीक है, ये दो तोते हैं। मैं थोड़े से खाया। वो जंगली तोता है, एक घर के तोते हैं। ये खाने पे ज्यादा चलता है। चुड़गुड़ चढ़गढ़ चुड़गुड़ चढ़गढ़। नानी जरा ऑडियंस को आंख मार दो। अरे जा बानो। क्या हुआ, आपने क्या किया? मेरी छोटी ली माँ है। कौन है आपकी सौतेली माँ? कौन है, नाम क्या सौतेली माँ का आपकी? सौतेली माँ का नाम क्या है आपकी? रुचि है। सौतेली माँ क्यों है आपको, क्यों लगा आपको ऐसे? नहीं नहीं, तो मम्मी 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 सौतेली क्यों है ये बताओ? मारा आप उसको? मारा क्या मम्मी ने आपको? क्या किया? दरवाजे में लगा आपका खोपड़ा? और क्या किया मम्मी ने? और मारा भी मेरे सर में। आपको मारा भी? तो आपने क्या किया, आपने बताओ, क्या उल्टे काम करे पहले आज आपने बताओ, ऑडियंस को बताओ। आज मैंने चावल गिराए। चावल गिराए ना आपने? क्यों गिराया आपने चावल? मैंने चावल डालने थे उसके पानी में। क्या करना था? डब्बे में डालना था मुझे चावल। मारा माँ ने मुझे। माँ ने मारा? अच्छा, तभी यही सौतेली माँ ना आपकी? ये है रुचि भाभी, और बानो ने आज चावल गिरा दिए इसलिए वो बोल रही है कि सौतेली माँ है हमारी। बानो इधर आओ, चल पोछा मार। मैं फिनाइल में हाथ क्यों डालू? क्यों फिनाइल में हाथ नहीं डालना, फिनाइल तो उसमें डालोगे आप बाल्टी में। बाल्टी में नहीं डालूंगी, बाबू ने मना करा है। पापा ने क्या बोला है? बोला है कि मुझको पहले मेरे पापा ने मारा मुझको,
पापा ने मारा आपको? क्या बोला? उन्होंने मारा मुझको। तो चलो पोछा मारो, अब आपने गंदा कर दिया, झाड़ू पोछा मारो चलो। ठीक है, पहले मैं कंबल फोल्ड कर देती हूँ। कंबल फोल्ड कर रहे हो? करो करो, उठा उठा, ही नहीं जा रहा। ले पकड़ पकड़ पकड़, हाँ ले जा उसे, ले जा अंदर, ले जा ले जा ले जा अंदर, ले जा।